कभी कभी अपनी असफलता और बर्बादी का कारण हम खुद ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? उदाहरण के लिए हम 4 पैसे का कमा लेते हैं, इसके बारे में पूरी दुनिया को बता देते हैं, देख भाई कितना पैसा कमा लिया मैंने, अब कर्ज मांगने वालों की लाइन तो लगनी ही है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो और पूरी दुनिया को बता देते हो, लोग टांग तो अड़ाएंगे। एक लड़की ने आपको हाँ क्या कर दी, आपने पूरी दुनिया में ये बात फैला दी। आपके शादी विवाह में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। कभी कभी कुछ बातें बताने से ज़्यादा छुपाने में हमारा फायदा होता है, इसलिए आज की इस वीडियो में 20 ऐसी सीक्रेट बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपनी परछाई तक को भी नहीं बतानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात जो हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि जो इंसान हमेशा आपकी हेल्प करता है, ऐसे इंसान के बारे में भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। आजकल लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं होते, उतना वो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपके हर दुख में आपका साथ देता है, आपकी हमेशा हेल्प करता है, ऐसे इंसान के बारे में भी आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके घर में किसी को भी कोई गंभीर बीमारी है तो इस बात को भी गुप्त रखो। देखो यार, लोग ऊपर से भले ही कुछ ना गए मगर अंदर से लोग उस इंसान से दूर रहना चाहते हैं जिसे कोई बीमारी हो या उसके घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो, इसलिए इस बात को छुपा कर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी बात, अगर आपके बच्चे हैं और वो पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर गए हैं तो इस बात को भी छुपा कर रखना चाहिए। भले ही हम किसी का बुरा ना चाहें, भले ही हमने किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा बुरा करने की सोच रखते हैं। इसलिए अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर किसी दूसरे शहर में रहता है तो उस शहर के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। मेरी बात सही लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। चौथी बात, अगर आप शादी कर रहे हो तो अपने ससुराल का पता शादी होने तक गुप्त रखो। हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है किसी की फैमिली में कोई खानदानी बीमारी हो या उनके घर परिवार में किसी ने कोई गलत हरकत कर दी हो, तो ऐसे में ये सब बातें आपका रिश्ता तुड़वा सकती हैं। इसलिए जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक अपने ससुराल का पता छुपा कर रखो। पांचवी बात, अगर आपको कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से छुपा कर रखो, और तब तक छुपा कर रखो जब तक उस कंपनी में ज्वाइन ना कर लो। मेरे दोस्त, हमारी तरक्की से सबसे ज़्यादा जलन हमारे पड़ोसियों को होती है, उसके बाद दोस्तों को होती है, उसके बाद घर परिवार के लोगों को होती है। इसलिए ये लोग कभी नहीं चाहेंगे आप उनसे आगे निकले। इसलिए आप जब भी कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इसके बारे में किसी को भी मत बताइए। छठी बात, अगर आपके घर में कहीं से भी अचानक से पैसों की प्राप्ति हुई है तो इस बात को भी गुप्त रखिए। देखिए, जब भी उम्मीद से ज़्यादा पैसा आता है तो अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लाता है। जैसे आपको कोई खानदानी प्रॉपर्टी मिल गई हो, ऐसे में बहुत सारे लोग आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के बारे में प्लान्स बनाने लगते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कहीं से भी अचानक से पैसे आ गए हैं तो उन पैसों के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात, सोने चांदी का सामान बाहर वालों के सामने ना निकालें, उसे छुपा कर ही रखें। हम सभी लोग महंगी महंगी ज्वेलरी खरीद तो लेते हैं मगर उसे बाहर पहनकर जाने से डरते हैं, क्योंकि सभी को पता है ऐसा करना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। साथ ही सोने चांदी के सामान को हर किसी के सामने नहीं निकालना चाहिए, इसे छुपा कर ही रखना चाहिए। आठवीं बात, आप अपना मोबाइल नंबर भी केवल खास नज़दीकी लोगों तक ही शेयर करिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर भी किसी से भी शेयर मत करिए, उसे छुपा कर रखिए। हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर भी हर किसी के पास ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि हो सकता है किसी को आपके कार्ड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता हो और वो आपके मोबाइल का सहारा लेकर आपको कंगाल कर सकता है। इसलिए अपने कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर ना करें। नौवीं बात, आप अपनी पावर के बारे में और अपनी वीकनेस के बारे में किसी को भी मत बताइए। देखिए, अगर सामने वाले को आपकी पावर के बारे में पता होगा तो वो उसका तोड़ आसानी से ढूंढ लेगा। इसलिए आपको कभी भी अपनी पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। साथ ही आपको अपनी वीकनेस के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग सामने वाले की वीकनेस पर ही सबसे पहले घात करते हैं।
दसवीं बात, अपनी गलत आदतों के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सबसे पहली बात, गलत आदतें आप में होनी ही नहीं चाहिए, और अगर हैं भी तो उन आदतों को दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि सामने से भले ही कोई भी आपको कुछ भी ना कहे मगर पीठ पीछे लोग आपकी बुराई ज़रूर करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। इसलिए अपनी गलत आदतों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ग्यारहवीं बात, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो, और अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो जब तक जरूरत ना हो किसी को मत बताइए। वैसे तो हर कोई अपने ज़रूरी पेपर्स छुपाकर ही रखता है, मगर कुछ लोग इनका दिखावा करते हैं जो कि सही नहीं है। और मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस बात को भी जब तक ज़रूरी ना हो तब तक छुपाकर ही रखिए। बारहवीं बात, अपने बैंक अकाउंट का नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। आज के टाइम में कब कौन अपना रंग बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कोशिश ये करो कोई भी अपना या बाहर वाला आपके बैंक अकाउंट के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ना जान पाए, वरना वो आपकी डिटेल्स का गलत मिसयूज़ कर सकता है, आपको कंगाल बना सकता है। तेरहवीं बात, अगर आपके घर में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो तो ये बात जेंट्स के बीच में ही रहनी चाहिए। देखिए, आज नहीं तो कल आपके घर में भी प्रॉपर्टी का बंटवारा ज़रूर होगा। ऐसे में जहाँ तक हो सके जेंट्स को ही आपस में समझ लेना चाहिए, क्योंकि बंटवारा कभी भी बराबर से नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ये बात भाई भाई आपस में समझ सकते हैं मगर उनकी वाइफ्स नहीं, इसलिए जहाँ तक हो सके ज़्यादातर बातें जेंट्स के बीच में ही रहनी चाहिए। चौदहवीं बात, हर इंसान को अपने भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखना चाहिए। आज के टाइम में कोई भी इंसान आपकी तरक्की नहीं चाहता, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, तो फिर आप अपने गोल्स के बारे में, अपने सपनों के बारे में पूरी दुनिया में ढिंढोरा क्यों पीटते हो? आपने जो भी गोल सेट किया है उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग आपके गोल को हासिल करने में आपकी हेल्प तो नहीं करेंगे मगर आपको अपने गोल से भटका ज़रूर देंगे। पंद्रहवीं बात, अपनी तनख्वाह किसी को मत बताओ, गुप्त रखो। चाहे दोस्ती देखनी हो, चाहे रिश्तेदारी देखनी हो, चाहे आपको लोगों के बीच अपना मान सम्मान देखना हो, एक बार कुछ दिन गरीब बनकर रहो बस, आपके चाहने वालों का सारा सच आपके सामने आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा आप दुनिया में कितने अकेले हो। आज आप अच्छे पैसे कमा रहे हो तो हर कोई आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपसे उधार मांगता है। जिस दिन आपके पास पैसा ना हुआ तब क्या होगा, इसलिए अपने पैसों को छुपा कर रखो। सोलहवीं बात, अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो तो इस बात को भी गुप्त रखो, और ये भी मत बताओ कि आप कब तक लौटोगे। अक्सर हम कहीं फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो सारा घर खाली होता है, और इस बात का पता हम खुद ही पूरी दुनिया को दे देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि सही नहीं है। साथ ही आपको किसी से ये भी नहीं बताना चाहिए कि आप कब तक वापस घर आओगे, ऐसा करना आपके घर की सेफ्टी बढ़ा सकता है। सत्रहवीं बात, अगर आप एक महिला हैं तो अपने पति के घर की बातें कभी भी मायके वालों को मत बताओ। हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, मगर इसका ये मतलब नहीं आप छोटी छोटी बातें भी अपने मायके तक पहुंचा दो। हो सकता है आपके मायके वाले आपके पति को कुछ उल्टा सीधा बोल दें, ऐसे में आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है, इसलिए अपने ससुराल की बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। अठारहवीं बात, अगर आपने किसी गरीब को दान दिया है तो इस बात को भी छुपा कर रखो। दान हमेशा गुप्त रहना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलता है, पर कुछ लोग इस बात का ढिंढोरा पीटते रहते हैं जो कि सही नहीं है, इसलिए अपने दान को गुप्त ही रखना चाहिए। उन्नीसवीं बात, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है या उधार लिया है तो इस बात को भी किसी से मत बताइए। एक कर्जदार इंसान को कोई भी और पैसा उधार देना नहीं चाहेगा, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए अपने कर्ज के बारे में छुपा कर ही रखिए। बीसवीं बात, कई बार हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारी में कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं जिन्हें हमें अपने घर तक ही सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका और आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाकी यार, अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।